एक तरफ जहां गंगा मैया को निर्मल, स्वच्छ व अविरल बनाने के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ खनन माफिया अपनी दबंग प्रवृत्ति के चलते गंगा मैया का सीना छलनी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। गंगा का सीना छलनी कर ट्रकों में ओवरलोड बालू लाकर परिवहन विभाग को खुलेआम ठेंगा दिखाया जा रहा है। उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी सहित कई जनपदों में बड़े दामों में बालू बेची जाती है। खनन के चलते स्नान घाट पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, जिससे गंगा स्नान के दौरान कई श्रद्धालुओं की जानें भी जा चुकी हैं। परिसर घाट में साल में कई बड़े मेलों का आयोजन होता है और खनन को लेकर ग्रामीण व महंतों ने कई बार विरोध प्रदर्शन भी किया है। महाशिवरात्रि के दौरान करोड़ों कांवड़ियों का गंगा जल भरकर बाराबंकी पैदल जाने का सिलसिला महीने भर चलता है। भाजपा के सदर विधायक पंकज गुप्ता ने कुछ दिन पहले इसी जानकी धाम श्रावण कुमार ने तीर्थ यात्रा पर ईयर की शुरुआत की थी, तब नहीं देखा किसी भाजपाई को गंगा में खनन की तस्वीरें। उन्नाव की सदर विधानसभा क्षेत्र में करियर गार्ड का पूरा क्षेत्र आता है, जहां पंकज गुप्ता भाजपा के विधायक हैं। उन्नाव की कोतवाली सफीफुल क्षेत्र के परिया घाट पर बालू खनन का बड़ा कारोबार किया जा रहा था। मीडिया में खबरें चलने के बाद प्रशासन जब नींद से जागा तो आनन फानन में दो चार बड़ी गाड़ियों को पकड़कर अपनी कार्रवाई दिखाते नजर आया और खुद ही अपनी पीठ थपथपा ली। सिटी मजिस्ट्रेट व खनन प्रभारी चंदन पटेल ने जांच व कार्रवाई की अब जिम्मेदारी उठाई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या कोई कार्रवाई होगी भी या इस बार भी रिश्वत आगे पहुँच कर जिला प्रशासन को अपनी कठपुतली बना लेगी। श्रद्धालु जितने आते हैं गड्ढा गड्ढा में दिक्कत उठाते हैं, किसी की गाड़ी फंस जाती, कोई कुछ हो जाता, कभी कुछ हो जाता, ये सब दिक्कतें। इसका कई बार आपने विरोध भी किया? विरोध किया है, लेकिन वो विरोध नाकामयाब रहा। हम लोग हल्के पंडा पुजाने खाने वाले हैं। जो खाना थोड़ा सही हो रहा है, गलत हो रहा है? ये तो गलत है। समस्या क्या है कि सब खेती बाड़ी चली गए यहाँ से, और जो है कमाने खाने की बड़ी दिक्कत है। कमाने खाने की दिक्कत है। दूसरी बात जो है कि अब बिला बिला यहाँ से आदमी भाग रहे हैं। इतने ही ग्राम समाज में है और इतने ही गंगा किनारे गांव है और बहुत हम लोगों की समस्या है। तो सब बिला बिला लड़का आदमी सब भाग रहे हैं। यहाँ का धंधा कुछ नहीं है, खास कर दूसरे देश खनन के दौरान। यहाँ से कब्र से शव भी निकला? बहुत ज्यादा दिक्कत पड़ी है शव निकलने से। तो जो खनन हो रहा है तो सही हो रहा है गलत हो रहा है? अब गलत हो रहा है। गंगा धार भी धारण किया जा रहा है, इसके लिए कई काफी आपने शिकायतें भी किया। तो भी मान नहीं रहे हैं। अधिकारियों ने क्या कहा? अधिकारी खनन चल रहा है, इसको लेकर क्या समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही है हमारे घाट पे गड्ढे जगह देते हैं यात्रियों को नहाने के लिए, धोने के नहाने में दिक्कत पहुँचती है, चाहे स्नान वाले हों चाहे मिट्टी वाले हों, सब दिक्कत पहुँचती है। कहीं गहरा है कहीं नहीं गहरा है, कैसे नहाए। जहाँ पे खनन किया जा रहा है क्या सही किया जा रहा है? नहीं, गलत किया जा रहा है। खनन दौरान कई बार शव भी निकला है कब्र से, फिर भी आप लोगों शिकायत के लिए कोई कार्रवाई हुई? कोई सुनवाई नहीं होती। अगर ऐसे चलता रहा तो क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे, चल रहा है पर घाट पे क्या समस्या आ रही है इसको लेकर? यहाँ गंगा स्नान होता है, पौराणिक स्थल है ये। पौराणिक स्थल यहाँ के ऊपर दो चार तहसीलों से व्यक्ति आते हैं स्नान करने के लिए, जिसके लिए आवागमन में दिक्कत न हो और गड्ढे न हो, कोई जनहानि न होने पावे, यही हम लोगों का भावना रही है सदैव। और ये खनन अभी तक नहीं हुआ है, अब ये दो तीन चार साल से जब से ये सरकार आ गई तब से ये खनन चल रहा है। कई बार आप लोगों विरोध भी किया? हाँ, इसका विरोध भी हुआ। पर्यटन विभाग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं। अगर सुनवाई नहीं तो आगे क्या करेंगे आप लोग? भुखमरी कगार पर पूरा परिवार पहुँचेगा। 44 परिवार हैं इसमें ज्वाइंट, 44 परिवार इसमें ज्वाइंट हैं जो कि भुखमरी कगार पर होंगे। किसी के पास में 10 बीघे जमीन, 5 बीघे जमीन उपजाऊ नहीं। सरकार कहते हैं निर्मल गंगा, स्वच्छ गंगे, अविरल गंगे, तो क्या खनन से गंगा स्वच्छ हो जाएंगी? अब ये तो भाई हम नहीं बता सकते, लेकिन माता निर्मल सदैव रही। कुल मिलाकर जो खनन चल रहा है गलत है? खनन गलत है, सरासर गलत है। एक ये कि जो बालू में जो लाशें खनन के दौरान निकलती तो उसका क्या किया जाता है? दूसरा ये कि जो खनन का जो यहाँ पे लाइसेंस दिया गया है जिसको, वो क्या अपने चयनित स्थान से बाहर कहीं खनन कर रहा है? इसकी शिकायत है। तो मैं आपको बता दूँ कि जो यहाँ पर शायद परिया क्षेत्र की बात कर रहे हैं आप,
तो यहाँ पे जो भी माइनिंग के जो लाइसेंस दिए गए हैं, जो पट्टे दिए गए हैं सरकारी, उनको उनके चिन्हित बाउंड्री को आइडेंटिफाई करके दिया गया है। जब भी शिकायत मिलती है तब भी उसकी जांच कराई जाती है, और यदि वहाँ पर मौके पर यदि वो अपने स्थान से कहीं दूसरे जगह खनन करते पाए जाते हैं तो जो खनन नियमावली में जो नियम है उसके अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। अभी आपके द्वारा जो शिकायत की गई इसकी पुनः जाँच कराई जाएगी कि क्या उनके जो 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 उनके पट्टा क्षेत्र है उसमें वो खनन कर रहे हैं या उसके बाहर कर रहे हैं। तो माइनिंग इंस्पेक्टर को भेज के वहाँ पे उसकी जांच करा के रिपोर्ट। क्या कारण है कि पर्टिकुलर एक ही फर्म को हर साल का रिन्यूअल या खनन के लिए पट्टा इशू होता है? ऐसा कोई विवाद नहीं है, 5 साल का पट्टा हुआ है उस व्यक्ति को, तो इसमें कोई एक ही व्यक्ति नहीं, उसका 5 साल तक का पट्टा है। तो हर महीने अपनी रिन्यूअल फीस को जो उनकी शुल्क है, निर्धारित शुल्क है, उसको जमा करा के वो खनन कर सकते हैं।